एवरीवन। सो गाइस, आज एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ मैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे हर गोल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम एक फ्रीक्वेंसी पर हमें अपने गोल के साथ अलाइनमेंट पे आना होता है। सो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मनी है या फिर लव है, रिलेशनशिप है, मैरिज है या कोई और मटेरियलिस्टिक चीज़ है, तो हर उस चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके लिए आप उस पर्टिकुलर चीज़ से लेकर अपने उस गोल से रिलेटेड उस फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक को अगर सुनते हैं, जैसे कि आपको मैरिज अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए बताती हूँ मैं, आप लव फ्रीक्वेंसी वाले अगर म्यूजिक को सुनते हैं तो आपके लव वाइब्रेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस लव वाली फ्रीक्वेंसी के साथ, मैरिज वाली फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। लव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको YouTube पे आप सर्च करिएगा लव फ्रीक्वेंसी डालकर, या फिर 528 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 528 हर्ट्ज जो है ये लव वाली फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप इस म्यूजिक को सुनते हैं, जैसे कि आप अगर सो रहे हैं और सोते हुए आप इस फ्रीक्वेंसी को सुनते हुए अगर सो जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस लव के साथ और मैरिज के साथ, रिलेशनशिप के साथ अलाइनमेंट में ले आता है। तो आप इसको ट्राई करिएगा 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड आप अपने रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट के साथ इसको ट्राई किया एंड उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो आप इसको ट्राई करिएगा, इस म्यूजिक को सुनकर, इस फ्रीक्वेंसी को सुनकर। एंड आपको कुछ भी चेंजेस फील होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मनी के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको अलाइन करना होता है। ओके गाइस, बाय। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।